हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए आ रही हूँ। आज की जो वीडियो है ये एक क्यू एंड ए सॉर्ट ऑफ वीडियो है, जिसमें कि मैं मेरे पास कुछ कमेंट्स में कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, कुछ मेल्स में आए थे, तो आज मैं एक कमेंट पे वीडियो बनाने वाली हूँ। बट वीडियो बनाने से पहले मैं क्विकली एक एनर्जी चेक इन सॉर्ट ऑफ आपको देना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हो रही है कलेक्टिव में, बहुत लोगों की ट्रिगर्स मिल रहे हैं। और अगर ट्रिगर्स आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप अपनी पेन बॉडी रिलीज कर रहे हो, आपको पर्जिंग हो रही है, लाइक क्राइंग फॉर नो रीज़न, मिसिंग एनर्जी भी है। बट इन सबसे ज़्यादा मुझे जो एक कलेक्टिवली जो मैं फील कर पा रही हूँ कि पर्जिंग हो रही है, ठीक है, पेन बॉडी रिलीज हो रही है, एंड एट द सेम टाइम कुछ लोगों पे, नॉट विद एवरीवन, कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स होने की कोशिश हो रही है। मतलब नेगेटिविटी के अटैक्स, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज के अटैक्स। मैं नेगेटिव वर्ड कम यूज़ करती हूँ, मेरी एक वीडियो है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, इफ़ यू हैवंट वॉच दैट देन गो एंड वॉच, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों नेगेटिव वर्ड को बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं उसकी जगह पे यूज़ करती हूँ लो वाइब्रेशन। सो जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं उनके कुछ कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और ये कलेक्टिव में सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों पे अटैक्स हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम कुछ लोगों पे फिजिकली अटैक्स हो रहे हैं हेल्थ पे, कुछ लोगों पे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। सो अपना ऑरा इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। ऑरा स्ट्रांग कैसे रहता है? अगर आप घर पे हो तो हर टाइम कुछ ना कुछ मंत्र या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ हाई वाइब्रेशनल कुछ चीज़ें चला के रख सकते हो आप। इफ़ यू वांट तो मैं आपसे अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर सकती हूँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपसे अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर सकती हूँ, आप लोग उस प्लेलिस्ट को यूज़ कर सकते हो। सो हाई वाइब्रेशन में अपने आप को रखें, अपने आसपास क्लिनलीनेस रखें, मतलब अपने फिजिकल स्पेस को क्लीन रखें, और अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखें इस टाइम पे, ऑरा लॉक करके रखें। हमेशा ही करके रखना होता है, बट जब ऐसा कलेक्टिव में कुछ लोगों के साथ, कुछ परसेंटेज लोगों के साथ जब ऐसा हो रहा होता है, तो और लोगों को और भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग रखना होता है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का एक रिपल इफेक्ट होता है। एक यूनियन हुई तो वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगी, तो बड़े सारी अवेकनिंग्स हो जाएंगी, बड़े सारे यूनियंस हो जाएंगे। सो ऐसे ही अगर एक पे अटैक हुआ है किसी भी तरीके का, तो इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट, तो बहुत से लोगों पे वो वाली चीज़ भी होती है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब मैं आ जाती हूँ आज की वीडियो पर। सो क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि व्हाट इफ आई डोंट वांट माय डीएम। तो मैं, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली, मैं पर्सनली इस क्वेश्चन को नल एंड वॉइड बोलती हूँ, बिकॉज अगर कोई वाकई आपका ट्विन है, अगर कोई वाकई आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर कोई वाकई आपका अदर काउंटर सोल है, अगर कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको वो इंसान नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि मुझे जर्नी नहीं चाहिए, या मुझे ट्रिगर्स नहीं चाहिए, या कभी आप बहुत ही परेशान हो जाओ तो आप ये बोलो कि मुझे ये नहीं चाहिए बस। तो बट उसमें भी ये नहीं चाहिए, मतलब ये भाव नहीं होता कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान तो हमेशा ही आपको चाहिए, लाइक हमेशा आपके साथ है, बट एट द सेम टाइम चाहिए आई मीन कि आपको आप चाहते हो कि आपकी फिजिकल रियलिटी में भी वो इंसान की प्रेजेंस हो आपकी लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपको फिर ये वाली चीज़ चेक करनी चाहिए कि वाकई वो आपका ट्विन है या नहीं है, या आपको किसी ने बोल दिया तो आप मान के बैठे हुए हो। ये क्लैरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ आप खुद दे सकते हो, और कोई नहीं दे सकता। तो ये एक चीज है जो कि मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। बहुत से लोग हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि यू नो, हम कंफर्म कर देते हैं कि ये इंसान आपका ट्विन है। मैं सच बता रही हूं, दुनिया में आपके अलावा कोई आपको नहीं बता सकता आपका ट्विन कौन है। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं सेशंस के लिए, काउंसलिंग्स के लिए, कंटिन्यूसली सेशंस ले रहे हैं लोग, बट आई नेवर से कि ये इंसान आपका ट्विन है, क्योंकि ये आपका, उस आपकी काउंटर सोल का और उस परमात्मा का कनेक्शन है। ये मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ,
जहाँ जहाँ पर भगवान मुझे प्लेस कर रहे हैं, जिस जिस इंसान की जर्नी में मेरी जितनी गाइडेंस, मेरे थ्रू भगवान को जितनी गाइडेंस देनी है, वो वहाँ वहाँ पर मुझे प्लेस कर रहे हैं। सो मैं क्या, कोई भी अगर कोई रियल ऑथेंटिक कोच है, मेंटर है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलते कि ये इंसान आपका ट्विन है, बिकॉज ये आपको कोई नहीं बता सकता। तो ये कन्फर्मेशन तो बहुत ही, मतलब इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ ओनली यू एंड यू और आपकी अपनी आत्मा जो कि आपको ये बात कन्फर्म कर सकती है कि हाँ ये इंसान मेरा ट्विन है। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये कि अगर वाकई वो आपका ट्विन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये बात सोचो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि ट्विन तो आपको हमेशा आपकी फिजिकल रियलिटी में चाहिए। एनर्जेटिकली वो हमेशा आपके साथ है, आपके अंदर है, बट फिजिकली भी आपको लगता है कि यार अगर ये इंसान आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये कोई नीड बेस्ड चीज नहीं है, ये कोई डिजायर नहीं है, ये एक बस एक वो वांट वाली फीलिंग है। नीड, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, अगर आप वाकई इस जर्नी में हो, तो जस्ट जैसे आपकी एनर्जी सेंड करती है, आपकी नीड्स कोई रहती नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि यू नो आई नीड दिस थिंग टू सर्वाइव, आपकी कोई इस तरीके की नीड नहीं रहती है फिर। सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप वाकई इस चीज़ पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी वेरी डीपली, और आपको आपके अंदर से ही जवाब मिलेगा कि वाकई ये इंसान आपका ट्विन है या नहीं है। बिकॉज अगर कोई रियल ट्विन है तो ऐसी कभी फीलिंग आएगी नहीं। ये वाली फीलिंग आ सकती है, मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात, ये वाली फीलिंग आ सकती है कि जर्नी नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत मुश्किल जर्नी है। मुश्किल है नहीं, बट कि एक स्टेज पे जो हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, उस स्टेज पे हमें ऐसा लग रहा होता है कि जर्नी बहुत मुश्किल है। जर्नी मुश्किल नहीं है। सो या तो आप उस स्टेज में हो जहां पर कि आपको लग रहा है कि बस ये जर्नी इतनी मुश्किल है, मुझे ये नहीं चाहिए, बट जैसे आप उस स्टेज को क्रॉस करोगे आपकी ये फीलिंग भी चली जाएगी। सेकेंडली, अगर आप उस स्टेज में नहीं हो और अगर आप एक सर्टन लेवल तक हील हो चुके हो, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि यार वाकई ये इंसान मेरा ट्विन है या नहीं है। ठीक है, सो आई रियली होप कि आज का जो क्वेश्चन था ये आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने जिनको रिप्लाई किया है, रियली होप कि उनको उनकी जर्नी में एक राइट डायरेक्शन मिल सके। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कल मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, और कल की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है काउंसलिंग्स में, सेशंस में, कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कब अवेकन होंगे। सो कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।